लखनऊ में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला लाइनमैन सहित हेल्पर, ड्राइवर और लाइनमैन को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ तहसील के ग्राम शिकारा में विद्युत कनेक्शन का बिल बकाया था, जिसके भुगतान हेतु विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ता महेश राजपूत को भुगतान करने के लिए नोटिस भेजा गया, जिसे उपभोक्ता द्वारा 4 दिवस के अंदर भुगतान करने की बात कही। लेकिन समय अवधि निकल जाने के बाद भी जब उपभोक्ता ने भुगतान नहीं किया तो विद्युत विभाग का अमला उपभोक्ता के खेत पर पहुंचा, जहां पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज कर उन पर लाठियों से हमला किया गया। आज दिनांक को लखनऊ वितरण केंद्र की लाइन स्टाफ बकाया राजस्व वसूली हेतु ग्राम खेरे से कारा गए थे। वहाँ पर महेश ठाकुर राजपूत के ऊपर लगभग 39,000 रुपये की बकाया राशि थी पंप कनेक्शन की, जिसकी लाइन काटने के दौरान उनके द्वारा हमारे वहाँ गए 3 लाइनमैनों, जिसमें एक महिला लाइनमैन है श्रीमती बबीता दुबे और दूसरी जो है शुभम श्रीवास्तव को हाथ में चोट आई है। उनके सबके साथ गाली गलौज की गई, बेरहमी से मारपीट की गई। अभी हम थाने में सूचना दर्ज कराने उपस्थित हुए हैं। मम्मी है मेरी, एमपीवी ऑफिस में है, फील्ड में गई थी वसूली के लिए, ज़्यादा बिल था वहाँ पे, तो वहाँ से वसूली के लिए उनसे मांगे तो वो लोग बिल्कुल मतलब लड़ाई करने लगे, डंडे अंडे मारने लगे मम्मी को, और मम्मी के साथ वाले भी एक भैया है ड्राइवर है और एक और भैया है। और फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन फ़ोन किए तो वहाँ पे भी फ़ोन नहीं लगा, फिर हमको फ़ोन की तो हम लोग गए तो पुलिस स्टेशन, तब भी वहाँ पे बहुत देर तक कोई ड्राइवर ही नहीं था एक तो पुलिस स्टेशन में गाड़ी चलाने के लिए। तब जब TI सर आए, जब उन्होंने देखे, तब जाके वो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में ड्राइवर, हेल्पर और महिला लाइनमैन को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए शासकीय अस्पताल लखनऊ लाया गया। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। रिपोर्ट करता है शुभम श्रीवास्तव, थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज दिनांक ग्राम खैरी सितारा में बिजली भुगतान का वसूली करने गए थे, तो महेश राजपूत के पंप हाउस में उनको बताया कि आप लोग अभी तक बिजली बिल नहीं पटाया गया, आज हम बिजली लाइट काटे। इसके बाद अरावेदागढ़ महेश राजपूत, राजा भैया और उसका नाती आकर इनको गाली गुप्तर कर मारपीट की, जिस पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।